आज हमारे पास बैटरी आईफोन की जो रिपेयर करते हैं उसके लिए ये टूल आते हैं। एक आता है जो हमारा पहले आता था GTID, और एक ये नया आया है W09 Pro। पहले जो हमारा GTID आता था इसमें हमें इस बैटरी को इसका हेल्थ रिस्टोर करने के लिए हमें इसके साथ GTID का पत्ता लगाना पड़ता था, जिसके बाद ही उसका जो हेल्थ है वो अपग्रेड होता था 11 से लेकर 50 तक मॉडल का। लेकिन अब जो ये नया टूल आया इसमें कोई भी ऐसा पत्ता नहीं लगाना पड़ता। ये देख सकते हैं जी, हमें GTID का पत्ता लगाना पड़ता है अगर हमने 11 से ऊपर कोई भी सेट का हेल्थ इंक्रीज करना है और बैटरी चेंज करने के बाद उसका हेल्थ शो करना है 100। लेकिन ये नया टूल आया है इसमें अब किसी भी पत्ते की जरूरत नहीं है और इसकी कॉस्ट भी बहुत कम है। हमारा जो GTID है वो हमें 15,000 के करीब पड़ता है और ये वाला टूल हमें 3,000 के करीब पड़ेगा। इसमें हमें कोई भी पत्ता वगैरह नहीं लगाना पड़ता। GTID में हम PSID वगैरह रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ बैटरी का ही काम होगा, इसलिए ये थोड़ा सस्ता है। लेकिन हमारा ये अच्छे से ज़्यादा बढ़िया काम करता है, इसमें कोई पत्ता वगैरह लगाने की जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि पत्ते भी GTID के बहुत ही महंगे आते हैं। अब हम इसे खोलेंगे, देख सकते हैं ये हमारा छोटा सा टूल है, देख सकते हैं इस पे आईफोन के सभी पोर्ट बने हैं। iPhone 11 से लेकर हमारे 50 तक सभी पोर्ट बने हैं, 50 Pro तक ये काम करेगा। इसमें अब हमें जैसे GTID में अगर हम बैटरी की हेल्थ इंक्रीज कर देते थे तो हमें पहले कोई दूसरी बैटरी लगानी पड़ती थी, फिर वो हेल्थ शो करता था। लेकिन इसमें वो प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गया है। इसमें हमें साथ में ये केबल मिलती है जिससे डायरेक्ट हम सेट को बूट कर सकते हैं और हमें दूसरी कोई केबल लगाने की जरूरत, यहाँ दूसरी बैटरी लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन GTID में हमें बैटरी लगाने की जरूरत पड़ती थी, फिर भी दोबारा दूसरी बैटरी न लगाने पर हेल्थ शो होता था। इसमें ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख सकते हैं ये इसके साथ हमें बायर मिलती है। ये हमारे पास ये 5 बायर मिलती है हमें, जिसमें हमारे 11 से लेकर 50 प्रो तक सभी मॉडलों के जैक लगे हैं। देख सकते हैं iPhone SE, iPhone 12 Pro Max, 30 Pro Max, 50 Pro Max सभी हमारे कनेक्टर हमें मिल रहे हैं, इसलिए हमें कोई भी बैटरी एक्स्ट्रा की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। जैसे बहुत ही सिंपल वर्क करता है, जस्ट हमने इसमें हमारी ये केबल लगानी है ऊपर से, जिस भी मॉडल का हमने बैटरी को रिस्टोर करना है या उसको इंक्रीज करना है, और आगे से उसे बैट सेट में लगाकर सेट ऑन कर लेना है, और इस साइड वाले पत्ते पे हमने बैटरी लगाना है जिससे ये ऑन होगा। अगर हमने बिना पावर के ऑन करना है तो हमें इसे डायरेक्ट जहाँ से इसके टाइप सी पोर्ट होता है उससे हमें इसे ऑन कर सकते हैं। देख सकते हैं ये बड़ा बढ़िया टूल है, छोटा सा कंफर्टेबल सा टूल है। पहले इसमें हमें चाइनीज शो होगा, इसे हमें चेंज करके इंग्लिश पे सेट करना होगा। बैटरी की हेल्थ को रिस्टोर करने के लिए ये सबसे अच्छा और बढ़िया टूल है अब तक का। इसमें हमें और किसी एक्स्ट्रा चीज़ की जरूरत नहीं पड़ती। जब भी हम 11 से लेकर कोई भी मॉडल का बैटरी चेंज करेंगे तो उसका हेल्थ हम 100 शो कर पाएंगे, क्योंकि कस्टमर भी बोलता है जब बैटरी चेंज होगा तो हमारा हेल्थ भी 100 होना चाहिए। इस टूल से हमारी सभी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई है, देख सकते हैं इसमें सिर्फ 3 बटन है जिससे हमारा काम होता है। इसका पूरा प्रोग्राम ही हम अगले पार्ट में दिखाएंगे, कैसे हमारी हेल्थ रिस्टोर होती है और कैसे इसका यूज़ होता है।